पंजाब बहुत ही पढ़ता है, फुल बटा फुल नंबर लैके आता है। तो साढ़े नाल जो विद्यार्थना स्टेज पर ने, इन्ह ने भी फुल बटा फुल नंबर ले ने। ते सुजान कौर, इन्ह ने 12वीं जमात चो 500 चो 500 नंबर ही ले ले, एक भी नहीं छड़िया। ऐसी किवें मेहनत की तुसी? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी नाइस आफ्टरनून टू एवरी वन प्रेजेंट हेयर। तो जिमें मैम कह रही ने कि एक भी नंबर नहीं छड़िया, तो बच्चे च डेडिकेशन होंगी है एक, तो एक मोटिवेशन की जरूरत होंगी है, जो कि साढ़े प्रिंसिपल सर सरदार भुपिंदर सिंह जी ने बहुत मेहनत की मोटिवेशन देने, इंस्पायर किया कि तुसी आउट ऑफ आउट मार्क्स लाओगे तो बेस्ट रहूगा। मेहनत भी लगती है, मोटिवेशन भी लगता गा, जो साढ़े प्रिंसिपल सर ने बहुत दिता। बिल्कुल, जेकर तुसी विद्यार्थियों नूं ये दसो भी इस केड़े तरीके नाल तुसी पढ़ाई करदे सी भी पूरे दे पूरे नंबर तुहाडे आ गए, कि कोई खास तरीका सी कि सवेरे उठ के पढ़ाई करनी है, शाम नूं पढ़ाई करनी है? कोई तरीका नहीं हुंदा, बस एक मैं जिवें पहला कहा एक डेडिकेशन हुंदी आ। स्कूल दे विच तुसी वधिया आपदा टॉपिक क्लीयर करो, अगर नहीं क्लीयर हुंदा घर आके स्टडी करो। जरूरी नहीं हैगा कि सुबह ही पढ़ना गा या रात नूं पढ़ना गा, एक आपदा स्केड्यूल बना लो तुसी, उस स्केड्यूल दे विच रह के इनवायरमेंट क्लीन रख के वधिया फिर स्टडी करो तो मे बी बैटर रहूगा। बिल्कुल, साढ़े नाल नवप्रीत कौर भी ने, तुहाडे 3 नंबर कित्थे रह गए? मेहनत तो तुसी पूरी कीती होनी। जी मैनू जिस दिन मेरा पेपर सीगा, एग्जाम सी मेरा पंजाबी दा, मैनू उदों ही पता लग गया सी मेरा एक वेरी शॉर्ट गलत है, ते इन्ना दुख होया। साडा फर्स्ट एग्जाम सी, बट पेरेंट्स ने टीचर्स ने गाइड किया कि चलो कोई गल नहीं, एक रह गया तो तुसी अगे होर मेहनत करो, की पता है कवर हो जान, पर नहीं हो पाए। कोई नहीं, बट खुशी। बिल्कुल, हौसला बरकरार रहना चाहिए। तुसी बहुत ही कमाल किया, जड़े इन्ने अंक हासिल किए ने। तो आप गल करते हैं टीचर्स दे नाल भी, गल करते हैं साढ़े नाल भुपिंदर सिंह मौजूद ने, सुजान कौर की जी मेहनत है उस दे विच उन्हां दा भी बड़ा योगदान है। जेकर तुहाडे तो ये जानिए कि किवें तय हुंदा है, एक क्लास दे विच बहुत सारे विद्यार्थी हुंदे ने, तुसी किवें ये पहचानते हो बच्चे की काबिलियत कि यह बच्चा जिस ते मेहनत की जाए तो फिर फुल बटा फुल नंबर लैके आएगा? हाँ जी मैडम, सब तो पहला तो मैं ABP न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करदा जिन्होंने साडे बच्चों एडा वड्डा सन्मान दिता है। तो उस तो बाद मैडम मैं एक्चुअली मिलटरी बैकग्राउंड सीगा, तो शुरू तो लैके जिवें देशभगती की भावना होंदी आ, असीं एक बिजनेस के तौर पर छोटे जे कस्बे दे विच साडा सरदूलगढ़ डिस्ट्रिक्ट मानसा जिहड़ा किस टाइम पछड़िया होया जिहड़ा साडा एरिया सीगा उहदे वल्लों मन्निया जांदा सीगा। तां जदों असीं स्कूल स्टार्ट कीता तां उस तों बाद सानूं इह सीगा कि साढ़े बच्चे अगे निकलन, साढ़े कस्बे दे विचों साढ़े एरिए दा साढ़े डिस्ट्रिक्ट दा नाम चमकाउण, साढ़े पंजाब दा नाम चमकाउण। तां उहदे लई असीं बच्चों नूं हमेशा जिहड़ी सीगी प्रेरित करदे रहे। तां तकरीबन 2010 तों लैके लगातार जिहड़ा साडा स्कूल सी दशमेश कॉन्वेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल सरदूलगढ़, तां इह लगातार हर साल साडियां जिहड़ियां 2, 3, 4, 5 मैरिट आउंदियां रहियां। लास्ट ईयर साडे जिहड़े टॉपर बच्चे सीगे अपना 8th क्लास दे, 10th क्लास दे और 12th क्लास दे, हर क्लास दे विच साडियां मैरिट सीगियां। लेकिन मैं हर साल बच्चों नूं 11,000 रुपए का इन्हां नूं एक इनाम रख्या होया सी बच्चों नूं उत्साहित करन वास्ते। बिल्कुल, तुसीं बच्चे नूं उत्साहित करन दी गल कीती, पंजाब सरकार भी उत्साहित कर रही है। 51,000 रुपए इनाम मिल गए? नॉट येट। अच्छा, चलो इत्थे मंत्री भी पहुंचे सन, तो अगे होर भी मंत्री आएंगे, तो उन्होंने अपील करांगे कि फिर विद्यार्थियों को जो इनाम है जल्दी दिता जाए। थोड़े तो जानना चाहवांगे मैडम रुचि ने साडे नाल, जिन्हां ने बड़ा योगदान पाया है बच्ची की मेहनत के, की थोड़े लिए चैलेंज की सी, क्योंकि अजकल जड़े औकड़ा बड़ियां वध गईयां ने, पहलां दी तरह नहीं है, हुण तो सोशल मीडिया का जमाना है, नाल मोबाइल है, बड़ी जो है बच्चे ने पढ़ाई दे विच है उन्होंने विघन भी बड़े पैंदे ने, तुसी किवें इन्हां यकीनी बनाया कि चंगी तरह पढ़ाई करन ते फुल बटा फुल मार्क्स लियान? देखो अजकल नो डाउट कॉम्पीटिशन का जमाना है, तो हर कोई चाहता है कि मैं टॉप ते रवां, मैं ही सब तो अगे रवां, और ये चैलेंजेस नो डाउट सानू भी फेस करने पए। वैसे मैं ये तुहानू कहना चाहूँगी कि साढ़े स्कूल दे विच एक शुरू तो एक कह लो कि सानू एक लगन रहिंदी सी कि साढ़े स्कूल की टॉप पोजिशन होनी चाहिए है, और असी हासिल भी कीती है। समटाइम्स तो साड़ियाँ 2-2, 3-3 पोजिशनज भी रही हैं, और इस बार भी सेम बच्चों उही मोटिवेशन रही कि असी अगों कुछ करना है, और हमेशा बच्चों सारा साल यही चीज़ नाल असी प्रिपेयर करते सी कि बेटा एक एक नंबर तुहाडे लई कीमती है, एक एक नंबर लई तुसी स्ट्रगल करनी है। और क्योंकि नवप्रीत जो है वह गेम्स विच भी सी, बेसबॉल यदी गेम सी, और ये इन बार भी जाना पैंदा सी, स्टेट विच भी यदी 3rd पोजिशन सी, फिर
होर भी कोकरिकुलर एक्टिविटीज च इन्हें काफ़ी पार्टीसीपेट किया जिदे नाल थोड़ी जी आउट ऑफ टच साढ़े तो हो जाती सी जो असी इन्हू टाइम देना चाहते सी वह नहीं दे पा रहे सी। लगन का नतीजा सब दे सामने तुसी क्या एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए मैडम रजनी थोड़े तो जानांगे कि नंबर तो इंपॉर्टेंट ने पर थानू की लगता है कि स्कूली सिक्ख्या जिहड़ी पंजाब दे विच कि वह बच्चों इस काबिल बना रही है कि जो बाहर जा नौकरी करन या फिर अपना बिजनेस करन तो उन्होंने वेच जिहड़ी काबिलियत है वह हुणे तो पैदा हो रही है क्योंकि बहुत एग्जाम सेंट्रिक है जिहड़ी एजुकेशन अपनी कि एग्जाम हो गए नंबर आ गए चंगे नंबर आ गए भविख लई किवें तैयार हो रहे हैं बच्चे। A very good afternoon to all present here. Myself, English teacher. मैं BCM focal point तो साड़ा स्कूल है जोड़ा तुसी question पूछे है सब ने आंसर देता साड़े बच्चे रुचि मैम ने भी दसिया हर साल साड़े बच्चे मैम टॉप करते हैं। शुरू तो ही यह सिखाया जाता है कि अगर तुसी बोर्ड क्लास विच हो तो टॉप करना थोड़े वास्ते फर्स्ट प्रायोरिटी है लेकिन एट द सेम टाइम मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती ने कला ए नहीं कि एग्जाम सेंट्रिक बना दिता कम्युनिकेशन स्किल्स परसनैलिटी डिवेलपमेंट एवरीथिंग बच्चों सिखाई जाती है ताकि जो आके किसी स्टेज पर भी बच्चे बोलना चाहन तो बड़े आराम नाल बोल सकते हैं। और जो तुसी साढ़े इतने बच्चे इंटरव्यू होंगी है लैन वास्ते आते हैं साढ़े बच्चे अपना विजन पूरा क्लीयर हों उन्होंने किसी भी टाइम पूछ सकते हो बेटा तुसी की बनना चाहते हो क्योंकि टाइम टू टाइम ए चीज़ों वास्ते भी गाइडेंस काउंसलिंग सब कुछ दिता जाता है नॉट ओनली एग्जामिनेशन सेंट्रिक एवरीथिंग। बिल्कुल बारहवीं जमात बहुत अहम पड़ाव होंगे सुजान थोड़े तो जानेंगे कि तुम हम चंगे नंबर लै ले हौसला तो वध्या नाल ये प्रैशर भी होएगा कि ये जी परफॉर्मेंस है बरकरार रखनी है तो अगे कि तुम सोचे भी की बनना है हुण। मेरे ख्याल नाल प्रैशर तो थोड़ा जहा बच्चे के करियर वास्ते हुंदा लेकिन लैना नहीं चाहिए इन्ना प्रैशर बच्चे नूं बस विजुअल क्लीयर रखना चाहिए आपका कोई रोल मॉडल होना भी जरूरी है एक चंगा मेंटर होना भी जरूरी है बच्चे को ले। थोड़ा रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल साडे स्कूल के प्रिंसीपल सर जिन्होंने मैं टाइम टाइम पर इंस्पायर किया कि जिमें सर ने दसिया साडे स्कूल च मतलब 11,000 इनाम रखा हुआ अगर कोई पंजाब दे विच मैरिट लैके आता गा बट अगर कोई पंजाब टॉप करे बोर्ड एग्जाम्स के विचों तो उन्होंने 51,000 कैश प्राइज दिता जाता तो सर ने मैनू सरकार तो पहला 51K कैश प्राइज दे भी दिता तो मेरा रोल मॉडल प्रिंसीपल सर ने बिकॉज वो इंस्पायर करते हैं कि बेटा अगे वधना मेहनत नहीं छड़नी हार्डवर्क करनी आ। अगे मेरी जड़ा मैं करियर देखती हाँ आपका मैं सिविल सर्वेंट के जाना चाहनी हाँ सिविल सर्विस के चंगा लग्या पर की वजह है कि अज भी जो सरकारी स्कूलों के सहूलत की कमी का जिक्र होंगे थानू की लगता है प्राइवेट स्कूलों के वल क्यों जो विद्यार्थी जाते हैं? मैडम ये आ कि जिवें बैंस साहब दस के गए साड़ी एजुकेशन मिनिस्टर दस के गए आ कि गवर्नमेंट स्कूलों के बेशक साढ़े नालों भी हो सकता स्टाफ जिहड़ा है बहुत क्वालिफाइड स्टाफ हुंदा है इस तरह की कोई गलबात नहीं हैगी गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे भी बहुत वधिया बच्चे ने बहुत वधिया स्टडी चलती आ लेकिन थोड़े उन्होंने रुझेवे जिहड़े गवर्नमेंट स्कूलों के वो ज़्यादा गवर्नमेंट वालों हुंदे आ स्टाफ नूं प्रोपर जिहड़ा आ समां नहीं मिलता जिथे कि साडे कोल उल्टे आ कि साढ़े कोल प्राइवेट सैक्टर के जिहड़े आ साडे कोई भी जॉब जिहड़ी आ वो खाली नहीं पोस्ट को खाली नहीं हुंदी हैगी तां टीचर्स नूं जिहड़ा आ उन्हां नूं प्रोपर जिस तरीके नाल हैगा उन्हां तों किस तरीके दा उन्हां नूं वर्क लैणा आ किवें उन्हां नूं टाइम टू टाइम उन्हां नूं आपां अपना जिस तरीके नाल हुण असीं फंक्शन कीता आ तां असीं हर उस टीचर दा जे बेटी नूं असीं 51,000 रुपया नूं इनाम दिता आ तां उहदे नाल असीं उन्हां टीचर दी भी बहुत रिस्पैक्ट कीती आ स्टेज दे उत्ते साडे SDM साहब आए हुए सीगे तो उन्होंने टीचर भी एक ड्यू रिस्पैक्ट उन्होंने प्रॉपर मिली आ। बिल्कुल हौसला अफजाई की जरूरत सबनों होंगी है। एक सवाल यह भी है कि पहला तो यह होंगे टीचर्स झिड़क भी देंगे सी अज जमाना बदल गया अज किवें बच्चों हैंडल कर दो? बिल्कुल मैम पहले जो असी पढ़ते सी नो डाउट घर के भी यही कहेंगे कि मैम अगर नहीं पढ़ रहा तो इनू मारो कुट्टो जो मर्जी करो लेकिन बच्चा साडा पढ़ना चाहिए है। और अजकल की हो गया अजकल पेरेंट्स दे देखो सुख नाल हुंदे ही कि एक दो दो बच्चे है और वो कहें पढ़े चाहे नहीं पढ़े पर साडे बच्चे नू हाथ नहीं लगाना लेकिन साडे स्कूल विच शायद इदा दा नहीं है मोस्टली पेरेंट्स यही कहें कि मैम देखो तुहाडे हवाले किता है बच्चा तुसी देखो इनू किद्दां पढ़ाना है और सानू शायद इदा दी कोई प्रॉब्लम आई भी नहीं है
बच्चे असी बच्चों नू मोटिवेट ही एवें कर देईदे कि बच्चों नू खुद थोड़ी जी लगन हुंदी है कि यस मैम असी करना है, मैम मैं भी लैनी है फस्ट पोजिशन। मतलब नवप्रीत दे नाल ही मैं कहां कि साढ़े कोल 10 बच्चे इदां दे तैयार हुंदे है कि जिहड़े कॉम्पीटिशन जिन्हां दे विच रहिंदा है, जिहड़े एक एक दो दो नंबर तो साढ़े मैरिट्स दे विच रह गए, और वो बच्चे अज भी इन्ना पछता रहे हैं कि मैम तुहाडी जिहड़ी गल वो बिल्कुल सही सी कि सानूं एक नंबर की वैल्यू अज पता चल रही है, कि अगर उस टाइम असी तुहाडी गल मन्नी हुंदी तो सानूं शायद ये दिन ना देखना पैंदा। बिल्कुल, तो पढ़ाई दियां गल्लां तो हो गई, जे तुहानूं यह पूछा जाए कि जे प्रैशर महसूस करते सी या फिर पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई तुसी कर ली, फिर किवें खुद नूं फिल्म देखते हो, गाने सुनते हो, की करते हो? सोशल मीडिया वाल मैं थोड़ा घट ध्यान दिनी हाँ, एंटरटेनमेंट वाली साइड, बट जे मैं अपने माइंड नूं फ्रैश करना होवे तो मैं स्पोर्ट्स करती हाँ। मार्शल आर्ट मेरी इंडिविजुअल गेम आ, जिहदे विच मैं इस साल दे विच किक बॉक्सिंग दे कराटे चो पंजाब स्टेट चो मैडल कढ़िया, सिल्वर ते ब्रॉन्ज। बिल्कुल, ते तुसी भी दसो नवप्रीत फिर? आई एम ऑलसो स्टेट लैवल प्लेयर मैम, मैं भी सॉफ्ट बॉल च मैं हुनी फिरोजपुर जाके आई सी, मेरा भी ब्रॉन्ज मैडल रहा है उहदे च। इहदे नाल नाल मैं नैशनल कैंप भी लगाया जनवरी च राजस्थान स्काउट एंड गाइड दा, 10 डेज दा सी उह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल जुड़न लई, ABP सांझा दे इस मंच पढ़दा पंजाब ते तुसी पहुंचे हो, काफ़ी पढ़े हो, फुल बटा फुल नंबर लैके आए हो।